हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं लेके आई हूँ बुनाई का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों की जर्सी स्वेटर में। आप इससे जैकेट का बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर में देखिए जिगजैग वाला आ जाएगा और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे आप फूल में भी डाल सकते हैं, फूल स्वेटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर लगेगा। जाली वाला बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। और इसके लिए हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पंद्रह के मल्टीपल से फंदों को रखना है। पंद्रह पंद्रह और पंद्रह और फिर चार फंदे एक्स्ट्रा। देखिए आइए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। और सो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और बताने का तरीका कैसा लगा। देखिए ये एक फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे और दो फंदे धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। दो उल्टे बनाने के बाद 13 फंदे सीधे बना लेंगे। 13 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से 13 फंदे सीधे बुन लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी फंदों को बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, 13 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये देखिए हम इसकी उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई हमें एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। जो हमारे 2 फंदे इधर उल्टे हैं सीधी साइड, उल्टी साइड वो हमारे 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, इधर उल्टे इधर सीधे। और धागा अपनी तरफ, 13 फंदे उल्टे, 13 फंदे उल्टे बुन लेंगे और 2 फंदे सीधे। अगली साइड हमें 13 फंदे सीधे बनाने हैं और 2 फंदे उल्टे, और उल्टी साइड हमें 13 फंदे उल्टे बनाने हैं और 2 फंदे सीधे। इस तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, 13 उल्टे और 2 सीधे। देखिए आ गए हम अपनी तीसरी सिलाई पर। इस सिलाई पर हमारा डिजाइन डलेगा। एक फंदा बिना बुना, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए इन 4 फंदों को हमें ऐसा सिलाई डालकर पहले थोड़ा सा ढीला कर लेंगे इनको। ये 4 फंदे हमें अगली साइड से पीछे को एक साथ बुन लेने हैं, 4 का 1 बना लेंगे। 4 फंदों का 1 बना लिया, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा। इस तरह हम अपने इधर भी हमें 4 फंदे बचाने हैं, बाकी 5 फंदों को हम जाली डालकर बुन लेंगे और धागा अपनी तरफ रखते हुए इन 4 फंदों को हमें पिछली साइड से
देखिए वो फंदे चार हमने अगली साइड से किए थे, ये चार फंदे हमें पिछली साइड से चार का एक बना देना है। चार का एक बन गया, इसके बाद धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर से हमें उसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, चार का एक अगली साइड से, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ ही रहने दें और चार फंदे पिछली साइड को फिर से चार का एक बना देंगे। चार का एक बन गया, फिर से दो फंदे उल्टे और इसी तरह हम अपना पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे डिज़ाइन को रिपीट करते हुए। और ये आ गए हम अपनी उल्टी सिलाई पर, चौथी सिलाई हमारी उल्टी सिलाई है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हमने अपनी उल्टी सिलाई बुनी थी, दूसरी सिलाई उल्टी बुनी थी, उसी तरीके से हमें इसको भी बुन लेना है। दो फंदे सीधे, तेरह फंदे उल्टे। जो ये फंदा हमारा जाली वाला है, इसे भी हमें उल्टा ही बुन लेना है और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। चार सिलाई से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है, दो फंदे सीधे। बस ये ध्यान रखना है हमको, जो हमारे दो फंदे उल्टे हैं वो सीधे करने हैं और जो तेरह फंदे हमारे सीधे थे वो हमें उल्टे करने हैं। देखिए चार सिलाई में हमारा डिज़ाइन डल जाता है। अब हमें इस बार पांचवी सिलाई हमें जो हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी, दो उल्टे तेरह सीधे, फिर से दो उल्टे तेरह सीधे, इस तरह से बना लेनी है। और एक उल्टी सिलाई हमें दो सीधे तेरह उल्टे करते हुए बनाते हुए, दो सिलाई सिंपल बनाने के बाद फिर हम तीसरी सिलाई पर डिज़ाइन डालेंगे। चौथी सिलाई फिर से हमारी उल्टी उल्टी बुन जाएगी और इन चार सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए बनने के बाद इस तरीके से लगेगा, चार सिलाई में एक ही डिज़ाइन डलेगा, एक ही एक ही एक ही, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। जब हम यहाँ ऊपर दो सिलाई प्लान कर लेंगे तब हमारा ये डिज़ाइन भी दिखने लगेगा। और आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।